सबसे पहले नेक सील लेंगे। तो फ्रेंड्स यहां मैंने लिया है ये बैक का हिस्सा। तब सबसे पहले हम नेक को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर मैंने एक कपड़े के साथ नेक ले लिया है, ये देखिए ऊपर की साइड का नेक है और ये जो है ये नीचे की साइड का नेक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स एक साइड में हमने यहाँ इस तरह से सिलाई लगाई है और अब थोड़ा सा इस तरह की कटिंग करके इस कपड़े को जो है इसके नेक के ऊपर फोल्ड करके सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलना है, मतलब कि ये पूरा जो कैनवस पेपर है ये पूरा ढक जाएगा। इस तरह से सिलना है, इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक को हमने पैक कर लिया है और अब सबसे पहले इसका जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको मेन फैब्रिक के साथ जोड़ते हैं। दोनों भी फैब्रिक हमने अलग अलग कट करके रखे हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों भी फैब्रिक को जोड़ते हैं सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों भी साइड के अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। अब हमें इसका नेक जो है वो तैयार करना है। अब ये भी नेक मैंने इसी तरह से जोड़कर तैयार किया है जैसे मैंने इसे किया था और अब इसको सेंटर से कट कर लेते हैं। ये देखिए इसे दो सेंटर से मैंने कट कर लिया है। अब एक जो है उसको हम इस तरह से लगाएंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको भी हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसका एक पॉइंट कट कर लिया हमने और अब इसको इस तरह से जोड़ेंगे। बिल्कुल पास वाली सिलाई लगाएंगे हम सबसे पहले। और ये वाला जो हमने गला तैयार किया है इसका भी हमें इसी तरह से सेंटर पॉइंट लेना है और इसे बीच से बिल्कुल कट करेंगे। ये देखिए इसे भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। दोनों साइड के हमें गले जो है वो अलग अलग से जोड़ने पड़ेंगे। इसे भी क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ के हम ये देखिए इस तरह से ये ले लेंगे। अब सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप इस तरह से जोड़ लीजिए या फिर आप उस तरह से जोड़ लीजिए, आप जिस तरह से भी जोड़ना चाहते हैं जोड़े। ये देखिए कि इसका हाफ हिस्सा है, इसे भी थोड़ा सा कपड़ा रख के हम कट करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे सबसे पहले। पास वाली सिलाई लगाएंगे, कैनवस के पास से सिलाई लगा रही हूं मैं। और अब गले का एक हिस्सा रख के इसके ऊपर इसे भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़े थोड़े से कट्स लगाएंगे दोनों में भी। देखिए फ्रेंड्स यहां से मैंने इसे जोड़ा है और यहां से मैंने इसे थोड़ा सा सिलाई लगाकर यहां पर इसे फिट किया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये मैंने इस वाली साइड का गला अटैच कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे और एक सिलाई देके पैक कर सकते हैं। ये देखिए और एक सिलाई देने से भी थोड़ी सी डिजाइन भी लग रही है और ये पैक हो चुका है। और यहां से तो हम हुक के लिए जगह रखेंगे तो इसीलिए यहां से मैंने कुछ भी पैक अभी नहीं किया है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी साइड जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये जो डिजाइन है ये बन चुकी है यहां पर।
और यहाँ पर भी मैंने बोटनेक अच्छे से ले लिया है। अब ये बैक का जो भी हिस्सा है इसको हम जोड़ेंगे, पीछे वाले टक्स लगाते हैं। पीछे वाले टक्स लगाने के लिए हमें इस वाले पॉइंट का सेंटर चाहिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया सेंटर, तो यहाँ पर हम हाफ इंच ले लेंगे और ऊपर ले लेंगे 4.5 या 5 इंच, यहाँ से ऊपर 5 इंच लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पीछे वाले टक्स लगा लिए हैं। अब हमें ये वाली पट्टी जोड़नी है, तो ये वाली पट्टी जोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अस्तर के कपड़े लिए हैं। ये पट्टियाँ मैंने 1.5 इंच की ली है दोनों भी, और एक लिया है मेन फैब्रिक के साथ वाला कपड़ा। तो अब इन दोनों को सबसे पहले हम एक साइड में जोड़ेंगे। जहाँ पर भी आपको लूप पट्टी या इसकी हुक पट्टी बनानी है वहाँ पर आपको इसको जोड़ना है। अब यहाँ से हमें ऊपर की ओर इस तरह से ये पट्टी लगानी है, तो ये लगाने के लिए हमें इस तरह से नीचे की साइड से लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने अस्तर वाला फैब्रिक भी रखा है और मेन फैब्रिक दोनों भी रखे हैं। इस तरह से लेंगे, अब पीछे वाली ऊपर वाली साइड में हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे क्योंकि नीचे हमें और पट्टी लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें फोल्ड करना है, और यहां से हमें सीधे यहाँ पर भी एक बार सिलाई लगानी है यहाँ पर, और इसके बाद हम इसे यहाँ पर रखकर इसके आई हुक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर फोल्ड किया है। अब हमें आगे की ओर फोल्ड करना है, यहाँ हमें बनाने हैं आई। तो देखिए ऊपर से हमें 1/2 इंच के लिए छोड़ देना है, पहले यहाँ पर पैक कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच के लिए छोड़ दिया, इसे इसे घुमाएंगे हम। अब यहाँ आपको 3 बटन लगाने हैं या 4 लगाने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर आई बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 हुक के लिए आई बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे आए बन गए हैं। अब हम दूसरे साइड में इस वाली पट्टी को अटैच करेंगे। इस वाली पट्टी को अटैच करने के लिए हमें ऊपर से करना है, ये देखिए अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, नीचे की ओर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, 1/2 इंच की जगह छोड़कर फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से फोल्ड करके आपको अंदर की ओर फोल्ड करना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस वाली पट्टी को भी फिट कर लिया है अंदर की ओर से, और ये हमने बना ली है। यहाँ हम हुक्स लगाएंगे और ये हमारे आए बन गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा गला लग रहा है। अब यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैं लेस को अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम नेक लाइन में लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह की लेस ली है, ये मैंने साड़ी के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ली है। आपके पास कोई भी लेस हो तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब सबसे पहले हम हाफ जो पार्ट है इसमें लेस को अटैच करेंगे, इसके बाद हाफ पार्ट में इसको लेस को हम अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये लेस अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा मैं घुमाते हुए इसे लूंगी और
पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से लगने के बाद अच्छी लगेगी। तो पहले इसमें थोड़ा सा रख कर देख लेती हूँ कि हाँ, तो ये कुछ इस तरह से अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। नीचे की साइड में जो इसका ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे इसी तरह से लगाऊंगी। अब इस तरह से लगा लेंगे, थोड़ा सा घुमाते हुए लेना है हमें और इसे राउंड में लगाएंगे। आने के बाद इसे थोड़ा सा रोक लेंगे और इसे एक प्लेट लगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्रॉड है तो इसे प्लेट लगाना पड़ेगा शायद। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ी सी प्लेट लगा लेंगे हम यहाँ पर। आप चाहे तो आप बॉक्स में भी इस तरह से लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा कोना बनाकर इस तरह से लगा सकते हैं। ये थोड़ा आसान लग रहा है तो मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब फिर से एक बार हम इसे थोड़ा सा घुमा कर ले लेंगे। अगर आप चाहें तो आप फुल नेक में नीचे तक इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर एंड कर दूंगी। यहाँ पर हमारे हुक्स लगेंगे तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से कट कर लूंगी और इसे यहाँ तक एंड कर लूंगी। यहाँ पर हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसे यहाँ पर रोक देना है। थोड़ा सा पक्की वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये अटैच हो गई है। अब ये हमने सिर्फ एक ही साइड से अटैच की है, अब हमें इसके करना है साइड से भी अटैच करना है। तो हम एक सिलाई साइड से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लग गई है अभी। अब फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में लेस को अटैच करेंगे। ये तो हो गया एक साइड का नेक पार्ट, और अब सेम साइज में भी हम सेम इसी तरह के लेस लगाएंगे, इसी तरह से जैसे हमने इसे लगाया है बस ऐसे ही इसे भी हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे नेक में मैंने जो है ये लेस लगा ली है, और बची हुई लेस जो है ये मैंने नीचे लगा ली है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन ये अब फिटिंग में कपड़ा जाएगा तो फिर इतना इशू नहीं होगा इसका। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरे में लेस जो है वो अटैच कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक पतली सी लेस गोल्डन कलर की पड़ी हुई थी, तो मैंने बस थोड़ा सा लगा कर देखा तो मुझे अच्छी लग रही है ये इस तरह से, तो मैंने ये रहने दी है ऐसे ही। थोड़ा सा मैंने हाफ इंच का गैप देकर इसे इस तरह से बस राउंड में लगा लिया है, जैसे हमने पहले लगाई थी बस ऐसे ही मैंने इसे लगाया है अभी। तो ये ठीक दिख रही है, इसीलिए मैंने इसे हटाया नहीं है। तो अब हम इसकी लास्ट वाली प्रोसीजर करेंगे। हम सबसे पहले अब इसके ये दोनों शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो एक साइड हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखना है और हाफ इंच के ऊपर आपको इसको स्टिच करना है। डबल थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे। इस वाले साइड को भी हम हाफ इंच में। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके स्लीव्स में पाइपिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप स्लीव्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल ऑफ शोल्डर रखने वाली हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह का मेरे पास ओरेबी पट्टी है, और ये जो ओरेबी पट्टी है ये इस वाले कलर से थोड़ी सी डार्क है।
अगर आप चाहें तो आप कॉन्ट्रास्ट में इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पिंक कलर है तो आप पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी साड़ी में जो भी कॉन्ट्रास्ट में कलर हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ, लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से, और हम इस वाली साइड से इसे अब लगाते हुए लाएंगे। क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, इस तरह से ही इसे डबल में लगाना है। ये देखिए यहाँ के मैं थोड़े से ये पर्ल्स निकाल देती हूँ जिससे कि सुई टूटे ना, तो इस तरह से ही डबल में हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से ये पट्टी जो है ये पूरे में लग चुकी है। अब हमें इसे हल्के हल्के पीचेस लगाने हैं, मतलब जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें नहीं लगाने हैं, थोड़े नीचे के साइड में हम इसे थोड़े थोड़े से इस तरह से कट्स लगाएंगे। ये देखिए सिलाई पर बिल्कुल नहीं लगाना है, साइड में लगाना है। इसे कट्स लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो आप अपने हिसाब से ब्रॉड पतली जैसे भी चाहे आप पाइपिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग लगा लीजिए, ये देखिए इस तरह से आ रही है, तो ये पूरे में आपकी पाइपिंग आ जाएगी। और अगर नहीं लगाना चाहते तो इसे ही फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, ये देखिए, तो ये सीधे हम जैसे पट्टी लगाते हैं बस ऐसे ही लग जाएगी। तो पाइपिंग लगा लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स हल्की सी पाइपिंग लगाई है मैंने यहाँ पर इस तरह से। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम लगा लेंगे, इसी तरह से सेम में लगाऊंगी, प्रोसीजर सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स पाइपिंग भी हमारी अब हो चुकी है, अब हम इसको फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। तो फाइनल फिटिंग के लिए आपका आर्म होल कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ 7.5 इंचेस के, 8 इंचेस के बराबर से, थोड़ा सा हाफ इंचेस में एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए 8 इंचेस पर मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। फिटिंग के लिए मैंने मार्क लगाया है, अब हम इसे यहाँ से फिटिंग देंगे और नीचे जो है ये हम इसे सीधे इसी तरह से लेंगे, इसके बाद हम फिर नीचे की फिटिंग अलग से देंगे। तो अभी यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे, सीधी पहने अभी फिलहाल एक ही यहाँ पर स्टिच करके लिया है, बाद में हम इसको देखेंगे कि हमें कमर में कितना फिर मार्जिन रखना है। अब इसको दूसरी तरफ से भी फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंचेस पर। तो फ्रेंड्स अब इस तरह से ये हमारा बिल्कुल फाइनल स्टिच हो चुका है। फिटिंग का निशान आप कमर के हिसाब से लगा सकते हैं, जितनी भी आपकी कमर है उस हिसाब से आप इसे फिटिंग का निशान दे सकते हैं। ये देख लीजिए इस तरह से हमारा ब्लाउज जो है ये रेडी हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं हम आगे से भी, ये देखिए इस तरह से हमारा वन टक्स वाला ब्लाउज रेडी हो चुका है। अगर चाहे तो आप इसमें कफ अटैच कर सकते हैं, मैंने इसमें कफ अटैच नहीं किए हुए हैं। ये देखिए सामने भी अगर चाहें तो आप लेस लगा सकते हैं, अगर लेस आपकी बची हुई है एक्स्ट्रा तो आप इसे आगे की साइड में भी लगा ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।